पेज 66 परमा करुणा भगो द्विजना निताई गौर चंद्र बजो बजो भाई चैतन्य निताई हृदय विश्वास कोरी विषय चाड़िया तेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि विजय चाड़िया तेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता पशुपाखि दूरे पाचन विदारे सुन जर गुण गाता पशु पाखी दूरे पाचन विदारे सुन जर गुण गाता रे मजिया रोहिल करिया हे पदे नाही लो आशा
संसारे माजीरा रोहिल परिया ते बाते नाहिलो आशा आपन कराम जय चमाना कोई लोचन दासा आपन कराम जय चमाना कोई लोचन दासा परम करुणा बहु गई जाना हृदय को केवल आनंद भजो भजो भाई चैतन्य लिताए दृढ़ विश्वास धोई विजय जागिया तेरा से मगिया मुखे बोलो हरिहारी गोरे भाई भूपन नाई मनोरथा पशु पाकि दूरे पाचन विदारे सुन जरा सुन सारे मरिया सोहिले पोरिया ते पदे अपन कराम जय समान कोई लोचन परम करुणा उदी जाना दाई परम करुणा बहुदी जाना दाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय निताई चैतन्य चंद्र निताई चैतन्य चंद्र निताई चैतन्य चंद्र गौर हरि हरे
जयोनिताई चैतन्य चंद्र निताई चैतन्य चंद्र निताई चैतन्य चंद्र बौद्ध हरि जयो गौरानिताई 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 जयो गौरानिताई जयो गौरानिताई 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 जयो गौरानिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य बोल हरि बोल नित्य बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो अंगजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे फीस्ट कार्यक्रम में। तो आज बहुत विशेष दिन है, आज मोक्षदा एकादशी है, कल हमने गीता जयंती मनाया है। जनरली हर साल गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन ही आता है, पर इस बार गीता जयंती पहला दिन हो गया और आज का दिन मोक्षदा एकादशी है। तो बहुत विशेष दिन है और उसके साथ साथ हमारे परम दयालु प्रभु ने निश्चय लिया है कि उनके घर में गौर निताय के विग्रह को बुलाएंगे। तो ये गौर निताय के बहुत सुंदर विग्रह वृंदावन धाम से आए हैं, तो प्रभु जी ने बहुत मेहनत से बहुत चुन के ये विग्रह बनाया है। और परम पूज्य रोमपाद स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, परम दयालु प्रभु की जो मिसेस है मेघना माता जी रोमपाद महाराज की शिष्य है, तो रोमपाद महाराज ने इस बार कार्तिक यात्रा में वो जब कार्तिक यात्रा गए थे वृंदावन धाम में महाराज ने ये विग्रहों का नाम दिया है निताई चैतन्य चंद्र। तो परम दयालु प्रभु को बहुत बहुत अभिनंदन
कि उन्होंने भक्ति में और एक स्टेप लिया है, है कि नहीं? भक्ति के मार्ग में अगर प्रगति करना है तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेना पड़ता है। पर यह भी याद रखना है जब हम आगे स्टेप लेंगे वापस पीछे नहीं आना है। तो भक्ति में ये बहुत अलग अलग स्टेप्स हैं। एक तो है 16 माला का जप करना, कंठी माला धारण करना, घर में विग्रहों को लाना, दीक्षा स्वीकार करना। तो ये सब तरीका है, विधि है। हमारे आचार्यों ने, जो भगवान कृष्ण के अंदरूनी पार्षद हैं, उन्होंने ये मार्ग दिया है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत संधू में 64 अंग बताते हैं भक्ति के, उसमें से 5 अंग बहुत प्रमुख हैं। तो 64 लिम्स, अलग अलग तरीके हैं भक्ति करने का, उसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नाम संकीर्तन, हरि नाम का उच्चारण। दूसरा है भागवत श्रवण, भागवत सुनना या भागवत पढ़ना। तीसरा है वैष्णव सेवा। चौथा है मथुरावास, तीर्थ यात्राओं में जाना। और पांचवा है श्री विग्रह सेवा, श्री मूर्ति रह सेवा। तो 64 अंग हम रोज पालन करें कि न करें, ये 5 अंग रोज भक्तों के जिंदगी में होना चाहिए। एवरीडे होली नेम, रोज हरिनाम, रोज भागवत पढ़ना, रोज वैष्णवों का सेवा। और अगर हम फिजिकली वृंदावन यात्रा न जा पाए तो वृंदावन का स्मरण करना, तुलसी का परिक्रमा करना इस तरह से, या मंदिर में जाना, तो ये मथुरावास है। एंड फाइनली श्री मूर्ति रह सेवा, खासकर गृहस्थों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विग्रह की सेवा। क्योंकि गृहस्थ जिंदगी में बहुत बार ये धारणा होता है कि हम ही स्वामी है ये घर के, पर जब व्यक्ति गृहस्थ हस्बैंड वाइफ विग्रह को घर में लाते हैं तो मेन बॉस विग्रह बनते हैं और पति पत्नी बच्चे विग्रह की सेवा में लगते हैं। तो इसको आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम। जब आप मंदिर में आते हैं, मंदिर का वातावरण देखते हैं, तो यहाँ पे आके प्रेरणा प्राप्त करना है ताकि हम यहाँ के वातावरण को हमारे घर में उतार पाए। मंदिर का वातावरण मतलब जहाँ भगवान कृष्ण केंद्र में है, सब कुछ भगवान की सेवा के अनुसार चल रहा है। तो इसलिए ब्रह्मचारी हो कि व्यक्ति गृहस्थ हो, दोनों को आश्रम बोला जाता है। आश्रम में व्यक्ति आश्रय लेता है। किसका आश्रय लेता है? भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है। तो परम दयालु प्रभु और माता जी को बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये विग्रह लाना लाइफ टाइम कमिटमेंट है। एक बार विग्रह लाया, जिंदगी भर यू हैव टू सर्व द ड्यूटीज। हम रिसेंटली उडुपी यात्रा से आए हैं। उडुपी में श्रीपाद मध्वाचार्य ने लगभग 800 साल पहले उडुपी कृष्ण विग्रह की स्थापना की, एस्टैब्लिश द डेटी। तब से अब तक विग्रहों का सेवा चल रहा है। सो वंस द डेटी इज एट होम, कंटिन्यूस सर्विस शुड गो ऑन। तो इतना आसान स्टेप नहीं है। मैं हर बार जब ऐसे डेटी का इंस्टॉलेशन होता है ना, मैं हमेशा ही बताता हूँ, हमारे लिए ये बहुत आनंद का वातावरण है, है कि नहीं? पहला दिन बहुत उत्साह रहता है, सब आते हैं, वेलकम करते हैं, गौरताय का अभिषेक होता है। उसके बाद उन दोनों को ही सेवा करना है। सो टेस्ट है कि ये जो उत्साह पहला दिन दिखाया है, वो उत्साह रोज दिखाना है। एवरीडे द सेम मूड गोज ऑन। जैसे उडुपी में प्रैक्टिकली रोज एक उत्सव होता है उडुपी कृष्ण के लिए। तो ये विग्रहों की सेवा है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड वंस अगेन वी कॉन्ग्रेचुलेट परम दयालु गुरु। तो मैंने ये गीत गाया है लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित, परम करुणा बहु दुई जन। श्रील प्रभुपाद एक बार जब पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्री में, पहले बार इस्कॉन के केंद्र में गौरनताय के विग्रहों का स्थापना हो रहा था, द फर्स्ट टाइम गौरनताय वॉज बींग एस्टैब्लिश्ड इन इस्कॉन, प्रभुपाद ने ये गीत गाया। प्रभुपाद ये गीत गाते गाते उनके आंखों से इतना अश्रु निकलने लगा, प्रभुपाद प्रवचन ही नहीं दे पाए। ही कुडंट स्पीक ओनली, क्योंकि हम हमारे भाग्य को समझ नहीं सकते। इसलिए लोचन दास ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र। तो ये जो दो भगवान
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु निताई गौरचंद्र जिनका हमने अभिषेक किया है, परम करुणा, ये सबसे कृपालु अवतार है। बहु दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। आप जितने भी अवतार हैं उनको स्टडी करोगे वेरी एनालिटिकली बहुत ध्यान से, आपका ये कंक्लूजन आएगा। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, राम कृष्ण नरसिंह वराह, पर ये दो अवतार हैं कृष्ण बलराम गौर निताय के रूप में आते हैं, इनसे ज्यादा करुणा इनसे ज्यादा कृपालु और कोई अवतार नहीं है। द मोस्ट मर्सीफुल, क्यों? केवल आनंद कंद, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया है दैट इज सिंपली ब्लिसफुल। प्रॉपर यहां पर लिख रहे हैं, दे इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड डांसिंग दैट इज सिंपली जॉयफुल। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां जितोमके द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सत्युग में भगवान को प्राप्त करना है, हजारों हजारों साल तपस्या करना पड़ता था। क्षमता है किसी में हिमालय में जाके बैठने के लिए? हजारों साल आंख बंद करके, कैपेसिटी किसके पास है? वो सत्ययुग का तपस्या है भगवान को प्राप्त करने का। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करना है तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। उस जमाने में यज्ञ कितना बड़ा होता था त्रेता युग में, एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह इतने बड़े बड़े यज्ञ कुंड होते थे। ब्राह्मण को लाना पड़ता था, जो शुद्ध घी है जितने भी पदार्थ है वो लाने पड़ते थे। कलयुग में संभव नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है यज्ञ करने के लिए, नॉट पॉसिबल इन कलयुग। द्वापर युग में विग्रहों की स्थापना, बड़े बड़े जो मंदिर, स्पेशली दक्षिण भारत में आप जाओगे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो द्वापर युग के मंदिर हैं। तो द्वापर युग का युग धर्म था विग्रहों की सेवा, पर कलयुग में मार्ग बहुत सरल है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। इसलिए देवी देवता भी कलयुग में आने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि कलयुग में छोटे से आयु में 70-80 ईयर्स जो भी है उसमें व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है अगर ये मार्ग को अपनाएगा, केवल आनंद कंद, सिंपली जॉयफुल और कठिन नहीं है। किसको खाना अच्छा नहीं लगता? हर व्यक्ति को खाना अच्छा लगता है, ठीक है? इस्कॉन को प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है। म्यूजिक किसको अच्छा नहीं लगता? हर व्यक्ति को लगता है म्यूजिक। कुछ भगवान के स्टोरी सुनना, बचपन में हम स्टोरी सुनते थे, है कि नहीं? जनरली व्यक्ति बड़ा हो जाता है स्टोरी कोई सुनता नहीं है, पर इस्कॉन में बड़े होने के बाद भी रोज कहानी है, नया नया स्टोरी है सुनने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है। विग्रहों का दर्शन, यात्रा, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस्कॉन में आने के बाद गोवा के बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोग हैं गोवा के बाहर गए ही नहीं, ट्रेन क्या है उनको पता नहीं, कभी बैठे ही नहीं। इस्कॉन में आने के बाद इतने सारे तीर्थ यात्रा, अलग अलग जगह पर जाओ। सो द प्रोसेस इज सिंपली जॉयफुल, बहुत सरल मार्ग है। और ये मार्ग किसने दिया है? परम करुणा बहु दुई जन निताई गौरचंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आके ये मार्ग देते हैं, क्योंकि हम सरलता से विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी भगवान की प्राप्ति कर सके। तो आगे वर्णन करते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताय श्रीदृढ़ विश्वास करी। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोचनदास ठाकुर जो भगवान के महान भक्त हैं नित्यानंद प्रभु के, वो यहाँ पे बता रहे हैं, माय डियर ब्रदर भजो भजो भाई, हमारे लिए वो एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं। रिक्वेस्ट क्या है? भजो भजो भाई चैतन्य निताय, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं, वर्शिप दीज टू ब्रदर्स, इन दो भाइयों का सेवा करो गौर निताय। कैसे करना है? श्रीदृढ़ विश्वास करी विथ फेथ, दृढ़ता के साथ विश्वास रखो ये नैया पार कराएंगे, इनका आश्रय लेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के महान आचार्य हैं बोलते हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं,
पर गौर निताय का स्मरण करके ही सब अड़चन भाग जाते हैं। इसलिए है, हम महामंत्र जप करने से पहले, हर एक माला के पहले हम पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि माला करते हुए इतने सारे अपराध होते हैं, इतने सारे अन्य विचार आते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करेंगे, उन पे विश्वास रखेंगे तो सब कुछ संभव है, असंभव चीज संभव हो जाता है बाय द मर्सी ऑफ गौर निताय। इसलिए हमको विश्वास रखना है गौर निताय के ऊपर। और विश्वास कब बढ़ेगा, हाउ विल आवर फेथ इंक्रीज, जितना हम गौर निताय के लीलाओं के बारे में सुनेंगे, जितना हम पुस्तक पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, जितना पढ़ेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, भक्ति करेंगे, धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। तो गौर निताय में विश्वास भक्तों के संग में ही बढ़ता है। मुझे याद है जब मैं इनिशियली इस्कॉन में आया था बहुत साल पहले, तो मेरा इस्कॉन में इंट्रोडक्शन हमारे कृष्णानंद प्रभु ने किया था, और उस समय ही मैं लगभग 11th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, मैं पहले यात्रा गया था मायापुर, और मायापुर में कृष्णानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का कहानी सुना रहे, तो मुझे तो बहुत सारे कहानियाँ डाइजेस्ट नहीं हुए, क्योंकि दक्षिण भारत का हूँ, दक्षिण भारत में राम सुना है, कृष्ण सुना है, नरसिंहदेव वरादी सुना है, ये गौर निताय कौन है हजम करने के लिए बहुत समय लगा, फिर भी मैं सुनता गया बस, और भगवान से प्रार्थना करता गया कि भगवान आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप आसक्ति दीजिए, और धीरे धीरे समय के साथ साथ विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए सत्संग में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, पुस्तक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना हम पढ़ेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा। तो गौर निताय का कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन है क्या, हालांकि कुछ कंडीशन नहीं है, सबको देते हैं, पात्र पात्र न देखी न देखी स्थान स्थान। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्वालिफिकेशन नहीं देखते, अरे क्वालिफाइड है नॉट क्वालिफाइड है, कहाँ पे जन्म हुआ तुम्हारा, नथिंग, दे आर जस्ट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग मर्सी। फिर भी लोचनदास ठाकुर बोलते हैं एक कंडीशन है, ये आंदोलन में सुख से रहना है, जो भी हम सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, सब ये आंदोलन में है, पर अगर हमको इसका आस्वादन करना है, सो ही सेज विषय चाड़िया सेरसे मजिया बुके बोलो हरी हरी। इफ वन वॉन्ट्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस By this process, one has to give up engagement in sense gratification. तो अगर व्यक्ति को ये मार्ग में सही में कृष्ण भावनामृत होना है, परफेक्शन प्राप्त करना है, एक ही कंडीशन है चैतन्य महाप्रभु का, विषय चाड़िया, जस्ट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि कितना इंद्रियों के लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑलरेडी मिल रहा है, सो मच एंगेजमेंट हियर, तो सिर्फ इंद्रिय भोग से दूर रहना है और निरंतर मुके बोलो हरी हरी, वन सिंपली हैज टू चैंट हरी हरी हरे कृष्णा विदाउट एनी मोटिव, मुके बोलो हरी हरी निरंतर। तो तीन चीजें यहां पर बता रहे हैं, पहला इंद्रिय भोग से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा तपस्या, ज्यादा तपस्या नहीं है, थोड़ा बहुत तपस्या, दूसरा निरंतर भगवान का हरिनाम का उच्चारण, एंड थर्ड थिंग विदाउट मोटिव, बिना एजेंडा के। इसलिए एक भक्त बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, पतित पावन का मतलब क्या है, जो सबसे पतित हैं, गिरे हुए लोग हैं उनका उद्धार करते हैं, जगाए मदाए तार साक्षी जगाए मदाए, सबसे गिरे हुए लोग उनका उद्धार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है, कपट का मतलब है हिपोक्रेसी, नो अल्टीरियर मोटिव, सरलता के साथ आना है, कुछ एजेंडा नहीं, ऐसा भाव में आएंगे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आगे बताते हैं, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई एमोन दयाल दाता, माय डियर ब्रदर जस्ट ट्राई एंड एग्जामिन दिस, Within the three worlds, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, तो लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं डोंट एक्सेप्ट मी ब्लाइंडली, मैं बोल रहा हूं गौर निताय का आराधना करो, उन पर विश्वास रखो,
ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत करो, जस्ट ट्राई एंड एग्जामिन। आप ये अवतार के बारे में समझो, गिव गॉर्नता या चांस, आप समझने का प्रयास करो, जस्ट ट्राई एंड एग्जामिन कि थोड़ा भक्ति करने करने से वो क्या दे रहे हैं हमको। तो हम हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमको वृंदावन में राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में भक्ति दे रहे हैं। भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, वृंदावन का भक्ति, व्रज का भक्ति, वो भी माधुर्य भाव में गोपियों के पचिनों पे मिलना तो असंभव है। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, षड गोस्वामी हो, भक्ति विनोद ठाकुर हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हो, ये सब कौन है कृष्ण लीला में? ये सब मंजरियां हैं, गोपियों के सर्वेंट्स हैं। तो हमारे आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दे रहे हैं? ही इज गिविंग अस द हाइएस्ट थिंग, वृंदावन में प्रवेश, राधा रानी का पार्षद बनना, गोपी बनना, सखी बनना, जो ब्रह्मा जी शिव जी के लिए असंभव है, वो लोग सपना भी नहीं देख सकते, चैतन्य महाप्रभु वो दे रहे हैं। इसलिए लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई एंड एग्जामिन दिस, आप मुझे स्वीकार मत करो ब्लाइंडली, आप पढ़ो। एंड हाउ यू विल बी एबल टू ट्राई एंड एग्जामिन, जब हम सुनेंगे गौर निताई के बारे में, जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड। एमोनो दयाल दाता, इनसे दयालु और कोई नहीं है। पशुपा की जूरे पशन विदाए शुनी यार गुण गाता। तो इसका एक उदाहरण देते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जाते हैं जगन्नाथपुरी से, वो झारखंड जंगल से गुजरते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को देख के पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। पशु पा की जूरे पाषाण विदारे, उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न होता है। हिरण है, शेर के साथ आलिंगन करके नृत्य कर रहा है, कभी आपने देखा है क्या? क्या डिस्कवरी चैनल में शेर और हिरण एक साथ किस कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, कभी देखा है? चैतन्य महाप्रभु को लीला में दिखता है, जो बाहर कहीं दिखता नहीं यहां पर दिखता है। शेर और हिरण कंप्लीटली ऑपोजिट है, कब से? जब से इनका जन्म हुआ है तब से दुश्मन है, एक जन्म के दुश्मन नहीं, जब से जन्म हुआ इनका तब से ही दुश्मन है। पर चैतन्य महाप्रभु उनके स्वभाव को ही चेंज कर दिया, पशु पाकी जूरे पाषा न विदारे, और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में पत्थर भी पिघल जाता है। दैट इज द पावर ऑफ लॉर्ड चैतन्य। पर लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, संसारे माजी या रोहिले पड़ी या से पदे नाही लो आश। चैतन्य महाप्रभु का इतना कृपा है, पेड़ पक्षी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, पत्थर पिघलने लगते हैं। पर लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है, मेरे हृदय में प्रेम भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, अश्रु भी नहीं निकल रहा है, हृदय पिघल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति नहीं है। सो दिस इज आवर मिसफॉर्चून, हमको इतना बड़ा चीज मिला है बट वी डोंट हैव अटैचमेंट टू इट, उसका हम वैल्यू नहीं समझते। अपन कर्म गुंजाय शमन कोहे लोचन दास। तो लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं, मेरे कर्म के वजह से यमराज जी मुझे दंड दे रहे हैं, इसलिए मुझे ये आंदोलन के प्रति आसक्ति नहीं है, आई डोंट हैव अटैचमेंट टू दिस मूवमेंट। चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये बेट देने के लिए, ये संकीर्तन आंदोलन, इस्कॉन का आंदोलन, बट वी डोंट हैव अटैचमेंट, हमारे पास आकर्षण नहीं है सत्संग में बैठने का, कथा सुनने का, जप करने का, कीर्तन करने का, वी डोंट हैव अटैचमेंट। सो दिस इज आवर मिसफॉर्चून। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, ये बहुत सुंदर गीत हैं जो शिला प्रभुपाद ने गाया था गौरनताय के इंस्टॉलेशन के समय। सो दिस इज अ सॉन्ग दैट वी कैन मेडिटेट ऑन टुडे। हम चैतन्य महाप्रभु से जैसे लोचन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप जो देने के लिए आए हो हम उसको स्वीकार करें। कल गीता जयंती का पर्व था, हम कल डिस्कस कर लेते हैं, भगवान आते हैं सब कुछ रेडी करके, गिफ्ट पैक में रेडी करके हमको भेंट देते हैं। भगवान कृष्ण गीता का भेंट दे रहे हैं, और वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, गीता कैसा जीना है संकीर्तन आंदोलन का भेंट दे रहे हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है,
हम बेट स्वीकार भी नहीं कर रहे, कृष्ण रिटर्न गिफ्ट नहीं मांग रहे, कृष्ण पूछ रहे हैं व्हाट आई एम गिविंग एक्सेप्ट, स्वीकार करो। वो भी हम ऐसा मूव फेर लेते हैं, भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर यू नो वी नीड टू एक्सेप्ट, जो कृपा वो देने के लिए आए हैं उसको स्वीकार करना है, बस दैट्स इट। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, अगर आप खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखोगे और बोलोगे कि सूरज मेरे घर में आता ही नहीं है, सब अंधकार अंधकार है, सूरज का गलती नहीं है, सूरज सबको प्रकाश देता है। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण बोलता है मैं सबको समान दृष्टि से कृपा देता हूँ, पर अगर हम दुर्योधन की तरह बंद करके रखेंगे, कृष्ण मैं आपका कृपा स्वीकार नहीं करूँगा, कृष्ण क्या बोलेंगे, व्हाट कैन आई डू, मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, जो सेल्समैन होता है, आके कटकटाता है दरवाजे को, ले लो, दो तीन बार बोलेगा, आप उसको रिजेक्ट करोगे वो चला जाएगा दूसरे कस्टमर के पास, है कि नहीं। सो अगर हम इंटेलिजेंट हैं, ये ऑफर को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये समय कितना बचा है हमको कुछ पता नहीं। सो वी हैव टू टेक दिस मूवमेंट वेरी सीरियसली, ये आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना है। तो कल गीता जयंती के पर्व पे हमने गीता के पहले अध्याय के दो तीन महत्वपूर्ण श्लोक देखे थे, सो वी विल कंटिन्यू दैट, वी विल डू फ्यू मोर श्लोकास एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे, ठीक है। तो हमने कल गीता क्यों पढ़ना है, गीता क्या है, सारांश में हमने देखा था, और पहले अध्याय के दो तीन श्लोक हमने देखे थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो गीता का हर एक अध्याय इंपॉर्टेंट है, हर एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, फिर भी समय के अनुसार वी डिस्कस टू थ्री वर्सेस। तो आज हम दूसरे अध्याय के थोड़े महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे। हमने ये श्लोक कल भी डिस्कस किया था, विल जस्ट रिपीट दिस श्लोक, ये दूसरा अध्याय का सातवां श्लोक है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेता, फिर से करेंगे थोड़ा जोर से, ध्यान से सुनिए और जोर से बोलिए। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेता यश्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम्। तो हमने कल देखा था पहले अध्याय में अर्जुन इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं अपने समस्याओं का हल निकाल दूंगा, कृष्ण आप मेरे साथ हो पर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही धारणा में रहते हैं, कृष्णा आई डोंट नीड यू, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कृष्णा भगवान भक्त मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कार्य कर लूँगा। तो अर्जुन ऐसे कॉन्फिडेंट थे कि आई विल हैंडल माई लाइफ ऑन माई ओन, मैं हैंडल कर लूँगा। पर अर्जुन पहले अध्याय के अंत में ही, पहले अध्याय में लगभग 42 श्लोका से 42 श्लोका में ही अर्जुन उनका हवा चला गया, अर्जुन को समझ में आ गया भगवान मैं, मुझको लग रहा था मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आज मुझे समझ में आया ऑल माई नॉलेज हैज ब्रॉट टू मी, मुझे लेके आया है एक कन्फ्यूजन के स्तर पे, आई कम टू अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये दुनिया में जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना, उसमें घमंड भी आता है, जितना व्यक्ति बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है उसको लगता है अरे कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर दूंगा। और भगवान का कृपा रहा उसकी ज़िंदगी में, भगवान एक ऐसा प्रॉब्लम देंगे वो देख के इसका पसीना छूटेगा। तो अर्जुन का पूरा कॉन्फिडेंस चला गया, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरा पूरा कंपोजर, मेरा जो तेज है सब चला गया है, अभी ये कन्फ्यूजन के स्टेट में मैं आपका आश्रय लेता हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम, आई टेक शेल्टर ऑफ यू, आप मेरे गुरु मैं आपका शिष्य, आप मुझे बताइए मेरे लिए सही क्या है। तो अर्जुन इज टेलिंग कृष्णा
मुझे पता नहीं मेरे लिए सही क्या है, कृष्णा यू टेल मी। तो ये गीता का भाव मूड है कि अर्जुन अपना मत रखते हैं और कृष्ण का मत स्वीकार करने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, ये दुनिया में, ये दुनिया एक वन की तरह है, फॉरेस्ट की तरह है। कभी कभी वन में आग लग जाता है। वन में आग कैसा लगता है? कोई जाके उसको जलाता नहीं है, अपने आप समय के साथ हवे के साथ दो लकड़ियां घिसते हैं, आग लग जाता है। तो ऐसे ये दुनिया में आप कुछ भी नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपका एक कोई नेबर आएगा और तो सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, तो ये भौतिक दुनिया में वन की तरह है, ऐसा कोई जाके आग लगाता नहीं है, लग जाता है। तो ये दुनिया में आप कुछ भी नहीं करोगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे, चुपचाप घर में बैठोगे, कोई आके आपसे झगड़ा करेगा होगा ये दुनिया में। डोंट डू एनीथिंग, स्टिल यू लैंड इन प्रॉब्लम। तो ये दुनिया का स्वभाव है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ये दुनिया के कष्टों से मुक्त होना है तो गुरु का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए कृष्ण आते हैं वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो इसलिए जब हम गुरु के पास जाते हैं और उनका आश्रय लेते हैं तभी हमारे समस्याओं का समाधान मिलता है। सो ये जो श्लोक है अर्जुन की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है। तो जीवों की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? जब वो वैष्णवों का, गुरु का आश्रय लेता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो बहुत बड़ा भाग्य के साथ व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु कृष्ण और भक्ति का आश्रय मिलता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्चून। और जब हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं तभी से हमारा पूरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। दैट इज व्हेन लाइफ इज गोइंग टू टर्न फॉर अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब अर्जुन नानुशोच और प्रभुपाद तुम बहुत बड़े पंडित की तरह बात, मेरे वो कभी नहीं हो, प्रामाणिक गुरु करेंगे। गुरु का कर्तव्य है उम्र, और गीता में ये छाप रहा है, इट्स गेटिंग प्रिंटेड, सबके सामने कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन तुम सबसे बड़े मूर्ख। अर्जुन बोल सकते थे कृष्ण सोच समझ के बात कीजिए, मेरा भी एक स्टेटस है कि नहीं, मैं मुंह कहाँ दिखाऊंगा, आपने ऐसा बोल दिया। पर अर्जुन इज रेडी टू एक्सेप्ट। हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं, मेरे गुरु ने मुझे घोषणा किया था कि आप मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग दिस, माई गुरु टोल्ड मी आई एम अ फूल, तो इसलिए आप वेद पढ़ने का प्रयास मत करो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्राउडली बताते हैं माई गुरु कॉल्ड मी अ फूल। जैसे शिला प्रभुपाद जब पहले बार अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए जाते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलते हैं अभी तो भारत ब्रिटिश के अंडर है, पहला इंडिपेंडेंस प्राप्त करेंगे, देन वी विल हरे कृष्ण बाद में देख लेंगे, बोल ही नहीं पाए। तो प्रभुपाद वहां से बाहर आते, दिस इज फर्स्ट मीटिंग विद भक्ति से, खुश था, आई वाज हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय गुरु, गुरु ने मुझे डिफीट कर दिया, दैट वॉज माई सक्सेस। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम बहुत बड़े पंडित की तरह बात कर रहे हो पर तुमको पता नहीं जो शरीर का नाश एनीवे होने वाला है उसके लिए क्यों रो रहे हो। एनीवे द बॉडी इज गोइंग टू डाई, आज नहीं तो कल मरेगा, इसके लिए शोक करके कुछ फायदा नहीं। द नेक्स्ट श्लोक टेक्स्ट 13, देही नोस्मिन यता देहे कौमारम यौवनम जरा
देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोयति। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं जैसे ये शरीर में आत्मा सफर करता रहता है, छोटे बच्चे के शरीर है, युवक का शरीर है, बूढ़ा शरीर मिलता है, तो वैसे ही मृत्यु क्या है, व्यक्ति और एक शरीर में प्रवेश कर जाता है। दैट्स भगवान मृत्यु को इतने सरल भाषा में समझाते हैं, दिस इज यही मृत्यु है, इसलिए व्यक्ति विचलित नहीं होता। राइट, आप रोते रहते हो क्या, अरे मेरा बचपन का शरीर चला गया, अरे वो शरीर फोटोग्राफ, वही शरीर चाहिए मुझे, अरे चला गया अभी और एक शरीर मिल गया, प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति रोता नहीं है, चला गया, यू डोंट क्राई, और एक शरीर तो मिला है, यू हैव गॉट अ बेटर शरीर, अच्छा शरीर मिला है। तो वैसे ही अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं मृत्यु क्या है, शरीर का परिवर्तन। धीर सत्तरण मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, जो आत्मा के स्तर पे है, वो विचलित नहीं होता ये दुनिया के परिवर्तन से। ये दुनिया में नियम है परिवर्तन का, हर चीज चेंज होता रहेगा, नथिंग इज परमानेंट, आप किसी को लेके बैठ नहीं सकते, दैट विल पास अवे। इसलिए अगर हमको धीर बनना है, सोबर, सोबर का अर्थ है जो शांत व्यक्ति है, कैसे बनता है, जब आत्मा के स्तर पे आता है तभी व्यक्ति शांत बनता है। इसलिए हालांकि ये गीता का सेटिंग है, अर्जुन का एक पर्सनल प्रॉब्लम था, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे अपने रिश्तेदारों से, भगवान कृष्ण अर्जुन के डायरेक्ट प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को बोल सकते थे, ए अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, करो, ये आत्मा का ज्ञान क्यों देते हैं, कनेक्शन क्या है? क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आता है, ये दुनिया का समस्या उसको एक्चुअल क्या है समझ में आता है, ही अंडरस्टैंड्स द रियलिटी। नहीं तो ये दुनिया में हम छोटे चीज को लेके इतने बड़ा बना देते हैं, मन का ये स्वभाव है, छोटा सा समस्या है, यू मेक इट सो बिग, एंड मेन लक्ष्य को आप फोकस नहीं करते। जैसे हम ये उदाहरण दे रहे थे, आप एक 100 फ्लोर बिल्डिंग के सामने नीचे खड़े हो तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ा दिखता है, पर जब आप फ्लाइट लेते हो वही बिल्डिंग साइज कम नहीं होता, पर जब आप ऊपर जाते हो वही बिल्डिंग छोटा दिखता है। तो ये गीता कराता है, समस्या है, पर जब हम गीता सुनेंगे ऐसे एक लेवल पे जाएंगे, समस्या रहेगा, सेम प्रॉब्लम, बट यू विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि आपको एक एलिवेशन मिला है, चेतना में एलिवेशन। और श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया है इसी के लिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि हम चेतना में परिवर्तन लाए। ये दुनिया के समस्याओं को हम देखते रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर दिखेंगे, पर जब हम गीता भागवत की फ्लाइट में बैठेंगे तो ये सत्संग क्या है, एक फ्लाइट की तरह है। When we'll take off, जब हम ऊंचे उड़ान पे जाएंगे चेतना के स्तर पे, we will not remain affected, हम विचलित नहीं होंगे। We will read one more shloka for today and then we will stop. तो ये text 14 है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा आपैनो अनित्यस् भारत। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे सहन करो, ताम तितिक्षस भारत, मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद। जैसे दुनिया में अलग अलग ऋतु आते हैं, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडी, राइट, तो ऐसे ये दुनिया में सुख आएंगे, दुख आएंगे, ऑल दीज थिंग्स विल गो ऑन। सीजन्स हमारे कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में नहीं है, ऐसा बटन दबा के आप सीजन को चेंज कर सकते हो, अभी मुझे बारिश चाहिए, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट, सहन करना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? हम सब एक कंडीशनिंग के साथ पैदा हुए हैं, है? किसी को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को ये, वी ऑल हैव आवर ओन कंडीशनिंग्स, हम तुरंत चेंज कर सकते हैं क्या, उसको डीप्रोग्राम कर सकते हैं क्या? यू कांट डू इट। हमारे अंदर मन फिट है, मन में अलग अलग विचार आते हैं, उसको निकाल के बाहर करोगे क्या? संभव नहीं है। आप किसी घर में रहते हो, घर वालों के साथ जमता नहीं है, क्या करोगे? भाग के जाओगे, वहां पे जाओगे कई बार, भाग के वहां पे भी यही प्रॉब्लम आएगा।
सो ये दुनिया में सिर्फ यहां से वहां से भाग के कुछ नहीं मिलेगा. वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट, संघर्ष करो, सहन करो और अपने कर्तव्य पे फोकस करो. फोकस ऑन योर ड्यूटी. और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है भगवान की भक्ति. सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे. भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं भक्त मतलब स्टडी है, ऐसा विचलित नहीं होता. अरे कृष्णा अभी बहुत गर्मी आ गया मैं कुछ करूंगा नहीं. यू डू स्टडी. जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कभी हम सुनते हैं क्या घर में जो पिताश्री हैं वो बोलते हैं मेरा ना एक साल काम करने का मूड नहीं है, मैं एक साल काम नहीं करूँगा. कभी सुना है? कभी नहीं सुना है. कभी माँ बोलती है कि मुझे ना अभी कुकिंग का मूड नहीं है, आप स्विगी जोमैटो से मंगाते रहो. कभी नहीं होता, एटलीस्ट ट्रेडिशनल फैमिलीज में कभी नहीं होता. अपना कार्य करते रहते हैं, मूड का चिंता नहीं करते. तो ये मॉडर्न फैड है मूड, अरे मूड नहीं है. मूड के बारे में चिंता मत करो. अगर मूड के बारे में चिंता करोगे तो मूड बन जाओगे, मूर्ख बनोगे. तो स्टडी बनना है, डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करते रहो. सुख हो दुख हो, रिजल्ट आए न आए फर्क नहीं पड़ता. श्रील प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति थे और जितने भी हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया. तो हमको भक्ति एक ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे तो एटलीस्ट बेसिकली करना है. नियम साधना भक्ति मतलब नियमित रूप से, जैसे कोई सोल्जर होता है ना मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है. ऐसा नहीं कि हम ही सुबह उठते हैं, सोल्जर्स को भी उठना पड़ता है. डॉट टाइम पर उठाते हैं, आप उठोगे नहीं तो मारेंगे उठाएंगे. यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ. अरे टेररिस्ट के साथ युद्ध करना है, कुछ डिसिप्लिन नहीं है तो क्या युद्ध करेगा. तो माया के साथ युद्ध करना है तो डिसिप्लिन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. और डिसिप्लिन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंसिस्टेंसी, स्टडीनेस, टॉलरेट. अलग अलग जो वेग हैं, अनर्थ हैं, जो अलग अलग लोगों के साथ समस्या है, कुछ भी हो सहन करो और चलते रहो. मैं ये उदाहरण अक्सर देता हूँ. श्रील प्रभुपाद के पास उनके एक शिष्य आए थे और प्रभुपाद को बोलने लगे प्रभुपाद इस कौन में बहुत समस्या है. मुझे लगा केवल आनंद कंद, आपने तो बोला था चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन दिया है दैट इज फुल्ली ब्लिसफुल, सिंपली जॉयफुल. आपका तो एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे तो इतना समस्या है. वो भक्त ऐसा पीठ के पीछे बोलता है, ये बोलता है, मैं ना अपना बैग पैक कर दिया है तो जाने से पहले आपको आपका परमिशन लेके मैं जाता हूँ. तो प्रभुपाद उसको बोलने लगे देखो अगर समुद्र के बीच में हो और एक जहाज में बैठे हो, जहाज में समुद्र के लोगों के साथ 19-20 हो गया, झगड़ा होने लगा, क्या करेगा? छलांग लगाएगा पानी में. मैं अभी चला छलांग लगाऊंगा, मर जाएगा. उससे अच्छा क्या है, सहन करो, टॉलरेट करो, जहाज पहुंच जाएगा उस पार, बाद में आपको जो चाहिए कर लो, है कि नहीं. तो जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ चीज होता है. इस्कॉन में भी संस्था में आने के बाद देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन, पर भक्त मतलब टॉलरेट, सहन करो, टिके रहो. अगर आम को पकना है तो टिके रहना है, बीच में गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा. टिके रहो, संघर्ष करते रहो और भगवान पे विश्वास रखो. ये संकीर्तन का आंदोलन का नाव निश्चित रूप से उस पार जाएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग ऑन. तब तक थोड़ा संघर्ष है, टॉलरेंस है. एंड वंस यू रीच देयर देन केवल आनंद कंद, उसके बाद सही आनंद होगा. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. एंड वंस अगेन परमदयालु प्रभु और मेघना माता जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, गौर निताय के विग्रह को अपने घर में अपने ज़िंदगी में बुलाया है. और डेफिनेटली उनका ये जो स्टेप है बाकी भक्तों के लिए भी प्रेरणादायक है. तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन, एक दूसरे से इंस्पिरेशन प्रेरणा प्राप्त करना है. थैंक यू. एनी वन एनी क्वेश्चन, किसी का कुछ प्रश्न है? एनी वन क्वेश्चन? ठीक है. तो अभी गौरंत निताय चैतन्य चंद्र, आई एम ऑल्सो गेटिंग यूज टू द नेम, निताय चैतन्य चंद्र जी अभी आएंगे. गौरता एक भगवान का दर्शन होगा, आरती होगा, अंगन प्रसाद. और जो लोग शाम को फ्री हैं 6:30 बजे अल्ट्रॉन प्लाजा पंजम,
हम पूरा 18 अध्याय गीता का हम पठन करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चैंट इट टुगेदर। तो व्होएवर कैन कम प्लीज ट्राई टू कम देयर आल्सो। हरे कृष्ण। श्री श्री गौर नताय की जय। निताय चैतन्य चंद्र की जय। हरे कृष्ण। कीर्तन